दादी। ये देखिए बाल कैसे खींच रहा है, नहाई धोई करके बिल्कुल फ्रेश है। एंड खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा। एक्चुअली आदि ने बहुत दिन से मुझे ना एक इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भी आई थी, उनका भी सेसिक्स कंप्लीट है, सेम सेम मंथ में हमारे बेबीज हुए थे। सो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। सो आदि को मैंने 15-20 दिन पहले पॉट इंट्रोड्यूस करवा दिया था और 3-4 दिन मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा आदि को उसमें बिठाना, बहुत सरदर्द हो जाती थी। बच्चे बच्चे को पॉट पे बिठाना बहुत ज़्यादा टफ काम है, और बट रिज़ल्ट मिल जाता है। आज आदि आराम से बैठा, उसे पता है कि हाँ मुझे क्या करना है इस टाइम पे, मतलब इतनी अच्छी उसकी टाइमिंग बन गई है। और टुडे आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छा लगा आज इसने पॉट में पॉटी की है फाइनली। और बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी मेरे साथ जर्नी शुरू हुई है, तो मैं उनको बता दूं, ट्राई कीजिए। इरिटेशन भी हो जाती है, 2-3 दिन बच्चा इरिटेट हो जाता है। और आपको बता दूं, वॉकर में भी इसने वॉक करना शुरू कर दिया है। 2 दिन कल परसों जो है इसको ऐसे ही लगा, हमें इधर उधर हिल ही नहीं रहा था। बट आज क्या हुआ, सुबह मैंने इसके मुंह के सामने इसका सिपर रख दिया पानी का, और बस वैसे करके इसे कहा कि कम कम आदि कम कम, और ये बिल्कुल अपने पाँव के साथ जो है आगे को चल के आया। सो आई एम रियली हैप्पी। बच्चों को सिखाने में टाइम बेशक लगता है, बट ये उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो वर्थ होता है जो भी आपकी मेहनत होती है। एंड आई एम रियली हैप्पी ही इज़ लर्निंग, मतलब दो एक चीज़ पे तो उस चीज़ को ये अडॉप्ट कर लेता है। तो आप लोगों के लिए भी है, सिखाएं और कोशिश करें, ये नहीं कि एक अटैम्प्ट में ही वो कर लेगा, बट टाइम लगता है हर चीज़ को सीखने के लिए। टुडे आई एम रियली है ना। और आपको बता दूं, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं, इसने पजामा बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया है जब से नानी ना, क्योंकि सिखाया मेरे मम्मा ने ही, मायके में मम्मी ने ही से आदत डाली वॉशरूम ले जाने की, और तब से इसको बिल्कुल आदत हैबिचुअल है। इसको पता है कि भाई मुझे वॉशरूम ले आते हैं। फर्स्ट टाइम ये वहाँ चीज़ों को देख के, इधर उधर देख के, टॉयलेट सीट को देख के बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो गया था, बट अब ऐसा नहीं है, अब इसे पता है कि हैबिचुअल हो गया उस चीज़ को लेके। नहीं तो बच्चे डर जाते हैं वॉशरूम देके, बट इसे बिल्कुल ऐसा भी फील नहीं हो रहा है। अब आराम से मस्त हो के इसे पता है कि मेरी क्या टाइमिंग है। और खाने का भी मैं इसका आपके साथ टाइम टेबल शेयर करूँगी, जो लोग न्यू मॉमीज़ हैं जिनकी जर्नी मेरे साथ शुरू हुई थी, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में किस तरह की इसकी टाइमिंग है। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मॉर्निंग उठ के तो मैं इसे ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, उसके बाद 8:30 बजे के अराउंड इसे सेरेलैक देती हूँ। 11 बजे अभी इसका फ्रूट टाइम है, 11 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। सो इसे मैं बनाना देती हूँ थोड़ा मैश करके, और ग्रेप्स, क्योंकि जो ऑरेंज है वो इसे खट्टा खट्टा फील होता है, तो मैं वो नहीं दे रही हूँ, बट मैं इसे ग्रेप्स डेली दे रही हूँ, 1 से 2 ग्रेप्स मैश करके और बनाना। और उसके बाद लंच टाइम होता है, लंच टाइम में इसे जो भी बना होगा दाल वगैरह वो, और कर्ड दही के साथ बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, सो वो मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ आए तो। और शाम के टाइम पे इसे दलिया सूप जो भी है वो दे देती हूँ, और मिड स्नैक में जो 4 बजे के आसपास का टाइम होता है जब हम चाय वगैरह पीते हैं, तब इसे मैं दूध देती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज नियर एंड डियर सिस्टर ने सत्तू भेजे हैं किन्नौर से, और वो भी मैं कल से दे दूंगी इसे। वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या होते हैं, जो लोग आउट ऑफ हिमाचल सब्सक्राइबर हैं, तो वो भी मैं अभी से देने वाली हूँ। एप्रिकॉट का जो ऑयल होता है ना, मम्मी ने दिया था, उसके बीज मिक्स करके, सो वो भी बच्चे के लिए कहते काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो रेडीमेड सत्तू भी मार्केट में मिल जाते हैं। सो चलिए अभी ना इसे थोड़ा सा वॉकर में बिठाती हूँ। इसके शूज़ पहन लिए हैं मैंने, क्योंकि पाँव नीचे रगड़े ना, इसलिए मैं शूज़ पहन के इसे वॉकर में बिठा रही हूँ। अब देखते हैं। सो यहाँ इसका फ्रूट टाइम हो गया है, उससे पहले मैंने सोचा इसे थोड़ा सा इसका जो है इसके पाँव चला दूँ। और आज बहुत खुश हूँ मैं मॉर्निंग से ही, और अभी भी एक खुशी और है कि वॉकर पे वॉक करना शुरू कर दिया है। 2 दिन लगे हमें इसे सिखाने में, पहले तो बहुत डर रहा था, बट बच्चे के डर को भगाना माँ बाप के हाथ में होता है। और आज इसका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप इसने अपने पाँव के लिए है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस थोड़ा सा इसे जो इसकी फेवरेट चीज़ है वो मैं इसे दिखा रही हूँ, और उस वजह से ये थोड़ा मोटिवेट हो रहा है आगे स्टेप करने के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी। और मैंने सोचा फ्रूट खिलाने से पहले इसे थोड़ा सा इसकी जो है ना मस्ती रखूं, और फिर आराम से खा भी लेगा। सो मैं इसके मूड को देखती हूं, और अब इसकी बहुत अच्छी रूटीन बन गई है। 8:30 बजे मैं इसे ब्रेकफास्ट दे देती हूं, सेरेलैक दे देती हूं, और 11 बजे के अराउंड फ्रूट, हाफ बनाना खा लेता है और 2 ग्रेप्स, उसके बाद लंच वगैरह जो भी होता है, और उसके बाद 4 बजे के अराउंड मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बस अभी इसे थोड़ा सा ना मैं खिला देती हूँ।
आसपास टाइम है और आदि को ना थोड़ी देर मैंने यहाँ पे खिला दिया और अब मैं इसके लिए लाई हूँ यहाँ पे दो ग्रेप्स और थोड़ा सा बनाना। सो ये मैं इसे मैश करके दूंगी। सो बनाना को आप चाहें तो बॉईल करके भी दे सकते हो, बट मैं ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि इसे डाइजेस्ट हो रहा है, आराम से डाइजेस्ट कर रहा है। सो बस फटाफट, पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझसे रिलेट कर पाते होंगे कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया, बट मैं कैसी माँ हूँ थोड़ा सा आपको बता दूँ। मैं शुरू से ही हमेशा हर चीज़ प्लानिंग के साथ करती हूँ और जब आदि होने वाला था तो मैं अभी से, मतलब पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं सोच के रखती थी कि हाँ जब वो ये चीज़ें करेगा तो मैं ये चीज़ें करूँगी, और वैसा ही अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ही हो रहा है और जिस तरह से मैं सोचती हूँ उस तरह से हो जाता है और आदि भी उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है एंड आई एम रियली हैप्पी। मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती है, एफर्ट लगते हैं, बट ये है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कैसी माँ हूँ, कि चीज़ों को किस तरह से मैं कर रही हूँ आदि के लिए। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मेरी तरह न्यू मॉम हैं, उनके लिए भी मेरी वीडियो हेल्पफुल होती है। सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलता होगा चीज़ों को लेके। और किसी ने मुझसे डाइट प्लान भी पूछा था आदि का, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आजकल आदि बड़ा हो रहा है तो इसे मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, उस बीच में टाइम नहीं लगता है, बट मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में कभी आपके साथ ज़रूर इसका जो डाइट प्लान है वो शेयर करूँगी। और अभी जो है इसे जो है इसके फ्रूट है ना वो खिला देती हूँ। सो यहाँ पे हो रहा था इवनिंग का टाइम, बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज आज मैं आदि का ही डे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे हो रहा है 5:30 बजे के राउंड का टाइम और यहाँ पे आदि को बाहर निकाल दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एक जगह पे ही रहे, बहुत सारी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करे। अब सड़क है घर के साथ तो सड़क को भी देखता है, गाड़ियाँ देखता है चलते हुए, बाहर उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, प्लांट्स दिख जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ उसे हर चीज़ टच करवाऊँ, फील करवाऊँ, देखता रहे सब चीज़ों को। गुड इवनिंग गाइस। सो अभी हो रहा है आदि का मतलब डिनर से पहले का टाइम, तो अभी मैं इसे जो है थोड़ा सा सूप बनाया था मैंने, तो वो खिला रही हूँ। और ये सूप है, इसमें बंद गोभी है, मैंने सब्जी जल्दी बना दी थी। सो मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ आपको बंद गोभी का, आप सब्जी को जो है चपाती के साथ ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना सकते हैं, थोड़ी सी आप कर्ड डाल सकते हैं, वही गर्मियाँ हैं बच्चों को जो है दही हजम हो जाती है तो उसके साथ ही काफ़ी अच्छे से खा लेता है, काफ़ी अपना जो डिनर है ना वो इन्जॉय कर लेता है। पर मैंने सोचा इसे ये दे देती हूँ डिनर के टाइम पे, देखती हूँ आज क्या इसे दूँ, बट अभी मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा ये दे देती हूँ क्योंकि दूध आज इसने 4 बजे के अराउंड नहीं पिया था। सो कई बार बच्चे ऐसा कर लेते हैं, कई बार उनका मन भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सो बच्चों के मन पे होता है कि उन्हें क्या किस टाइम पे क्या चीज़ खानी है, पर आप अपनी तरफ से जो एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अभी से जो है समझिए इसका डिनर हो गया है, इसके बाद देखूँगी अगर इसे कुछ खाना होगा तो। और आई होप आपने आदि का एक छोटा सा व्लॉग जो है इंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आई होप जो न्यू मॉम्स हैं उन्हें बहुत सारी टिप्स मिली होगी, बहुत सारा कुछ आइडिया मिला होगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अब नेक्स्ट व्लॉग से आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी, आज थोड़ा सा लो फील कर रही थी तो सोचा चलिए आदि का दिन ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये देखिए बिल्लू कैसे खा रहा है, और कोशिश कीजिए इस तरह से बैठ के ही आप बच्चे को खिलाएं ताकि उसे आदत पड़े। और ये स्पून भी पकड़ने लग गया है, बट मैं अभी सोचती हूँ कि 8th मंथ से इसके हाथ से ही इसे खुद खाना सिखाऊँगी, बट अभी फ़िलहाल ये 7th मंथ कम्प्लीट होने वाला है तो अभी मैंने सोचा कि चलिए अभी जो है मैं स्पून से ही खिलाती हूँ। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आदि, और मेरी तरफ से आपको लॉट्स ऑफ लव। ध्यान रहिए, खुशियाँ बांटिए और मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूस देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।